कहते हैं कि एक बार भी यदि कोई हरि का नाम ले लेता है, सकृत एव कृष्ण पदारविंदयो, एक बार भी कोई भगवान का नाम ले ले तो जागृत की बात दूर रही, स्वप्ने भी पश्यन्ति हिश्चिर्ण निष्कृता, स्वप्न में भी उसे यमराज या यमराज के दूत का दर्शन नहीं होता है। वैसे चहु युग चहु श्रुतु नाम प्रभाव, वैसे चारों युगों में चारों वेदों में नाम की महिमा है, लेकिन कली विशेष नहीं आनी पाऊ। लेकिन कलयुग में तो भगवान के नाम के अलावा किसी का उद्धार किसी का कल्याण। जैसे भारत में अनेकों नदियां बहती है, गंगा यमुना सरस्वती कावेरी नर्मदा अलकनंदा, ये सारी नदियां अनेक राज्य अनेक प्रांत अनेक गांव से गुजरकर आखिर सागर में मिल जाती हैं। वैसे वेदों के शास्त्रों की अनेक कथाएं उपदेश सिद्धांत अनेकों बातें आखिर तो हरिनाम में आकर समाप्त होती हैं। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कह दिया, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी उतरो भव पार। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, न तथा यगवान राजन पुयेत तप आदि भी, तथा कृष्णार्पित प्राणा तत्त पुरुष निषेवया। हे परीक्षित, किसी भी व्यक्ति को पवित्र करने के लिए होम हवन यज्ञ दान तपस्या ये सब साधन उतना पवित्र नहीं कर सकते जितना भगवान का नाम पवित्र कर सकता है। पत्नी छोड़ी, घर छोड़ा, बिजनेस छोड़ा, बच्चे छोड़े, समाज छोड़ा, सब कुछ छोड़ा, लेकिन चाय नहीं छोड़ सकते, गांजा नहीं छोड़ सकते। 60 साल के बूढ़े हो गए लेकिन ये बुद्धि नहीं आई। लेकिन इस्कॉन में आने वाले 5 साल के बालक को कहिए बेटा चाय पियोगे, वह तुरंत कहेगा चाय नहीं पीते हैं। क्यों? वो 60 साल के बूढ़े हुए लेकिन ये बुद्धि नहीं आई। लेकिन इस्कॉन में 5 वर्ष के बालक में ये बुद्धि है। इसका कारण वो भगवान का नाम ले रहा है और नाम में इतनी ताकत है कि थोड़ा भी यदि नाम लिया तो वो हृदय को पवित्र कर देता है, वो हृदय को शुद्ध कर देता है। लिखा है, कृते ध्यायतो विष्णु। सतयुग में भगवान की प्राप्ति उनका ध्यान करने से ही होती है। त्रेतायाम यजतो मखे, त्रेतायुग में यज्ञ करने से भगवान मिलते हैं। द्वापरे परिचर्यायाम, द्वापर युग में भगवान की परिचर्या करने से भगवान मिलते हैं। परंतु कलयुग में कलो तत हरि कीर्तनात्, कलयुग में मात्र उनका कीर्तन करने से भगवान मिलते हैं। हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम, कलो नास्तेव 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 गतिर अन्यथा। एको महान गुण अस्ति, इस कलयुग में एक महान गुण था और उस महान गुण के कारण ही कलयुग को मारा नहीं, कलयुग का स्वागत किया। और वो महान गुण क्या था? करोड़ों करोड़ों वर्ष तक कलयुग में ध्यान करने से जो भगवान नहीं मिलते हैं, हजारों हजारों वर्षों तक यज्ञ करने से त्रेता में जो भगवान नहीं मिलते, और द्वापर में अनेक धन पैसे खर्च करके परिचर्या करके जो भगवान नहीं मिलते, वह भगवान राम और कृष्ण कलयुग में मात्र उनका नाम लेने से मिल जाते हैं। मात्र कीर्तनातेव कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजेत, कलयुग का यह सबसे बड़ा गुण महाराज परीक्षित। गोस्वामी तुलसीदास जी तो कहते हैं, कलयुग युग सम आन नहीं, कलयुग जैसा कोई युग नहीं है, है? यदि सार ग्रही ही बनना हो, गुण ही देखना हो, तो कलयुग जैसा कोई युग नहीं। क्योंकि इतनी आसानी से ईश्वर अन्य किसी भी युग में नहीं मिलेंगे जितने कलयुग में मिल जाएंगे, केवल उनका नाम लेने से। भागवत का यही सार है भक्तों, चाहे कितनी भी कथा सुन लो, ये भागवत का कभी अंत नहीं होने वाला। लेकिन भागवत का अंतिम श्लोक क्या है? बिल्कुल भागवत का सार, भागवत का अंतिम श्लोक अंत यहां पर होता है, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनम तम नमामि हरिम परम। नाम संकीर्तनम यस्य, भगवान का नाम लेना, उनका संकीर्तन करने से ही सभी पापों से मुक्त होते हैं और परम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। 32 अक्षर और 16 नाम वाला मंत्र कौन सा है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। इस सभा में मैं ओपन चैलेंज करता हूँ,
यदि आपके पास 32 अक्षर और 16 मेरे वेदव्यास मुनि ने पद्म पुराण में कहा कि ऐसा मंत्र जिसमें 32 अक्षर और 16 नाम हो, आपके पास यदि कोई मंत्र है तो आज से मैं मेरा मंत्र छोड़ूंगा और आपका शुरू करूंगा। ये हमारे जितने भी भक्त हैं ये छोड़कर आपका शुरू करेंगे, है आपके पास? और नहीं है तो आप लोग आज से ये शुरू कर दीजिए, आज फैसला हो जाए, या आपका या हमारा। क्या करना है रमेश जी, हैं? सात दिन बहुत मुंडी हिलाया, करना क्या है? हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडश कामनामन कलिकल्मष नाशनम नात परत रूपाय सर्व वेदेषु दृश्यते, कि सभी वेदों को देखने के बाद सार यही है कि इस महामंत्र का यदि कोई जाप करता है तो कलयुग के सारे दोषों से मुक्त होकर शुद्ध होकर पवित्र होकर ईश्वर की प्राप्ति कर सकता है। यदि आज से इस महामंत्र का जाप करना चाहते हैं, आपको विधि बताई जाएगी, साथ ही साथ व्यास मंच से यहाँ से आपको माला दी जाएगी, बस ये माला ये सब कुछ आपको दिया जाएगा और इसका कोई चार्ज नहीं है, हमारे इस्कॉन में कुछ बिकता नहीं है, यहाँ पर तो केवल देना है। और सच कहें तो ये वैकुंठ में जाने की टिकट और वीजा है, इसकी कौन कीमत लगा सकता है, ये अमूल्य है। क्लेरिफिकेशन करना चाहता हूं कि यहां से माला जब दी जाए तो ये कोई आपकी दीक्षा या आपको कोई बंधन नहीं है। मैं न तो कोई गुरु हूं न कोई आचार्य हूं, मैं आप जैसा एक साधारण आदमी हूं। और गुरु किसको बनना है, यदि बनना होता तो आधी दुनिया चेला बन गई होती है, परंतु ये हम आपके मित्र हैं, मित्र समझकर आपको भागवत की साक्षी में ये धरोहर दे रहे हैं जिससे आप भगवान का नाम लेकर धीरे धीरे आप आगे बढ़ सकते हो। फिर आप अपने जीवन में सदगुरु को चुनिए, जब ये करोगे ना तो सदगुरु को कैसे चुना जाए कैसे आगे बढ़ा जाए अपने आप अंदर से सारे जवाब आने लगेंगे, लेकिन शुरुआत यहां से होगी। रमेश जी आज से चार माला जप करने का व्रत ले रहे हैं, सपना जी आज से चार माला जाप करने का व्रत ले रही है, रजत जी आज से चार माला जाप करने का व्रत ले रहे हैं, सुनील मिश्रा जी आज से चार माला जाप करने का व्रत ले रहे हैं, पुष्पा चौधरी जी आज से सात माला जाप करने का व्रत ले रहे हैं, रुकेशमा शर्मा जी आज से चार माला जाप करने का व्रत ले रहे हैं, सुशीला जी आज से चार माला जाप करने का व्रत ले रहे हैं, महेश भाई आज से चार माला जाप करने का व्रत ले रहे हैं, जोर से बोले हरि बोल। सो प्रेम नारायण जी आज से चार माला जाप करने का व्रत ले रहे हैं, हरि बोल। ओके, करुणा राम जी आज से तीन माला जाप करने का व्रत ले रहे हैं, संगीता माता जी आज से चार माला जाप करने का व्रत ले रहे हैं, जोर से बोलिए हरि बोल। निर्मला माता जी आज से चार माला जाप करने का व्रत ले रहे हैं, हरि बोल। रेणुका माता जी आज से चार माला जाप करने का व्रत ले रहे हैं, हरि बोल। मनोहर जी आज से 16 माला जाप करने का व्रत ले रहे हैं, हरि बोल। देखो बांसुरी बज गई। अनिल कुमार जी आज से 3 माला जाप करने का व्रत ले रहे हैं, रमन जी आज से 3 माला जाप करने का व्रत ले रहे हैं, हरि बोल। रमेश चंद जी आज से 4 माला जाप करने का व्रत ले रहे हैं, हरि बोल। रतन जी आज से 3 माला जाप करने का व्रत ले रहे हैं,
मालती माता जी आज से तीन माला जाप करने का व्रत ले रही है। सुशीला जी आज से चार माला जाप करने का व्रत ले रहे हैं। हरि बोल। प्रभात चौहान माता जी आज से तीन माला जाप करने का व्रत ले रहे हैं। हरि बोल। राधा माता जी, राधा रानी की तरह, आज से 20 माला जाप करने का व्रत ले रहे हैं। हरि बोल। हरीश जी आज से 2 माला जाप करने का व्रत ले रहे हैं। हरि बोल। सुषमा वर्मा जी आज से 4 माला जाप करने का व्रत ले रहे हैं। सिमी गोयल माता जी आज से 2 माला जाप करने का व्रत ले रहे हैं। हरि बोल। रागिनी माता जी आज से 3 माला जाप करने का व्रत ले रहे हैं। स्वाति माता जी आज से 16 माला जाप करने का व्रत ले रही है। हरि बोल। रमेश चंद जी आज से 4 माला जाप करने का व्रत ले रहे हैं। हरि बोल। शिवराम जी स्पेशल भागवत कथा से प्रेरणा लेकर आज से 4 माला जाप करने का व्रत ले रहे हैं। हरि बोल। चंद्र भट्ट जी आज से 2 माला जाप करने का व्रत ले रहे हैं। हरि बोल। निधि सक्सेना माता जी आज से 16 माला जाप करने का व्रत ले रहे हैं। 3 बार। हरि बोल। मधु सक्सेना माता जी आज से 16 माला जाप करने का व्रत ले रहे हैं। हरि बोल। हरीश भट्ट प्रभु आज से 10 माला जाप करने का व्रत ले रहे हैं। नंदनी आज से 2 माला जाप करने का व्रत ले रही है। हरि बोल। अंजू गोयल माता जी आज से 16 माला जाप करने का व्रत ले रहे हैं। 3 बार। हरि बोल। हरि बोल। शोभना माता जी आज से 2 माला जाप करने का व्रत ले रहे हैं। हरि बोल। सरिता माता जी आज से 3 माला जाप करने का व्रत ले रहे हैं। हरि बोल। ये श्यामल बेटा आज से 2 माला जाप करने का व्रत ले रहा है। हरि बोल। कंचन शर्मा जी आज से 2 माला जाप करने का व्रत ले रहे हैं। हरि बोल। आशियाना माता जी आज से 2 माला जाप करने का व्रत ले रहे हैं। हरि बोल। वरुण जी आज से 2 माला जाप करने का व्रत ले रहे हैं। हरि बोल। मीरा आज से 2 माला जाप करने का व्रत ले रहे हैं। हरि बोल। माया जी आज से 2 माला जाप करने का व्रत ले रहे हैं। हरि बोल। गोपाल कृष्ण जी आज से 2 माला जाप करने का व्रत ले रहे हैं। हरि बोल।